ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बेमेतरा में शनिवार को शॉपिंग मॉल में बिना पैसे दिए सामान रखने पर पेरेंट्स और मैनेजर के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मामला थाने तक जा पहुंचा। ये पूरा मामला एक प्रतिष्ठित शॉपिंग मॉल में पेरेंट्स और मैनेजर के बीच हुए विवाद का है। शॉपिंग मॉल से बच्चों ने पैसे दिए बगैर कुछ सामान रख लिए थे, जिस बात पर मैनेजर और पेरेंट्स के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान बच्चों के पेरेंट्स ने मैनेजर पर हाथ उठा दिया। विवाद बढ़ने पर वहां मौके पर मौजूद लोगों ने झगड़े को शांत करवाया। फिलहाल शॉप के मैनेजर ने पेरेंट्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पेरेंट्स ने भी शॉप मैनेजर पर बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने अपराध दर्ज हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है। एक्चुअली आज क्या हुआ ना, वो जो वासिम खान है, जो रोसे रेस्टोरेंट का मालिक है, उसका लड़का और लड़की आए थे और दो बच्चे भी आए थे और यहाँ पे शुभम कमांड में वो चोरी कर रहे थे, तो पकड़े गए सिक्योरिटी की, उनको पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने उनको पिता माता को भी फ़ोन करके बोला कि आप आ जाइए, ऐसे ऐसे हुआ है काम। तो उन लोगों ने बोले कि ठीक है, काम कीजिए, आप थोड़ा चमका दीजिए और जो करना चाहे कीजिए और छोड़ दीजिए, नहीं तो। मैं बोला ठीक है, छोटा बच्चा है, क्या उस क्या कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा चमकाया और उस टाइम पे क्या ना, उन लोगों का जो एम्प्लॉई है वो भी आए और बोले कि छोड़ दीजिए। मैं बोला ठीक है, आप, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, हाथ भी नहीं उठाया, सिर्फ चमकाया था थोड़ा। लेकिन कुछ देर के बाद ना वो वासिम खान आया है और बोले कि मेरे बच्चे लोगों को तुम क्यों मारे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं बोला सर वो लोग चोरी कर रहे थे, सिर्फ मैं उनको चमकाया, आप तो खुद बोले कि थोड़ा चमकाओ क्योंकि बच्चे लोग हैं, अगर अभी ऐसे करेंगे तो बाद में तो बहुत ख़राब कर सकते हैं। फिर बोले नहीं नहीं, तुम लोगों ने मेरे को, मेरे बच्चों को तूने मारा। फिर हाथापाई किए और बहुत धक्का मारे, मारे मेरे मुँह पर भी मारे और पूरा ब्लड निकाल दिए पूरा। अभी कहाँ है? अभी मैं थाने में हूँ, रिपोर्ट निकालने के लिए आया हूँ अभी। क्या चाहते हैं वापस? मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर थोड़ा अच्छा कार्रवाई हो। प्रियंका चतुर्वेदी हूँ सर, शुभम के मार्ट में काम करती हूँ। कुछ मतलब पता नहीं, नीचे में फ्लोर में कुछ हो रहा था कि मैनेजर सर से ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ करके, तो हम लोग जस्ट नीचे आए तो एक भैया आए, वो सर के साथ मारपीट कर रहे थे, तो नाक से ब्लड आ रहा था, तभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे। कौन है, उनको पहचानती हुआ? वो अपना ही शकल से पहचानते हैं सर, और अपना नाम बताते कि मैं रसोई का मालिक हूँ, मालिक हूँ बस। किस बात को लेकर के वो विवाद? वो मेरे बच्चे को कुछ मार दिया हो ऐसा कुछ था सर। उनके बच्चे क्या किए थे? वो चॉकलेट चोरी करके जा रहे थे। रायपुर रोड स्थित एक शॉपिंग मॉल में दो बच्चे कुछ सामान खरीदने गए थे, जहाँ पास बाद में यह जानकारी प्राप्त हुआ कि वो बच्चे कुछ सामान बिना बिल पेमेंट के ले जा रहे थे। इस पर कुछ विवाद हुआ, जिस पर उस बच्चे के पिताजी आए और मैनेजर से मारपीट का शिकायत थाने में आया था। इस पर थाने में उस बच्चे के पिताजी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी बात आ रही है? हाँ, दुकान के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है, उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।